स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल एमएसटी विद मी में। और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक वैकेंसी आ रखी, लेटेस्ट वैकेंसी है, आज ही आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। जैसा कि आप नाम देख पा रहे होंगे इस ऊपर, सबसे ऊपर ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, इसे प्यार से हम कहते हैं ECIL, ECIL, ठीक है बच्चों। तो इसमें वैकेंसी आ रखी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में ये देखेंगे कि ये वैकेंसी कितने पदों पर है, कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जिस वो क्या है, किस बेसिस पे ये सेलेक्ट करेंगे कंपनी में, तो ठीक है। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात और बता दूँ, ये जो वैकेंसी है ये ITI वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, BTech वगैरह, उनके लिए है। तो तीन मतलब जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन, जिनके पास ITI है या डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में तीन पदों पर भर्ती है। नंबर एक आती है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, और जूनियर कंसल्टेंट, ठीक, और जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये ग्रेड टू की जॉब है, ये ग्रेड वन की है, और ये जूनियर जिसे कह सकते हो आप JTO की जॉब, ठीक है, JTO। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी भर्ती जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती है तो आप उसे ज्वाइन ही ना करो। ये आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म देती हैं। मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप इधर उधर जाके कहीं जॉब करोगे तो आपको 10,000 रुपये 12,000 रुपये उसमें भी इज्जत के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या करें, एक नेशनल कंपनी है, आप इसमें ज्वाइन करेंगे, अगर जॉब करेंगे तो आपकी पेमेंट भी देख सकते हो। ये जो जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन की है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भर्ती है ये ITI वालों के लिए 16,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो क्या बुरा है 16,000 रुपये, और आपको इसी के साथ साथ इसमें काम करेंगे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, तो आपको फ्यूचर में जब कभी भी बड़ी भर्ती निकले जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया हो और उनकी पेमेंट भी अच्छी खासी हो जाती है, जैसे गेल हो गई, भेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी वैकेंसी IOCL हो गई, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। आप उनमें बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, तो इसलिए बढ़िया है कि आप जो है ना अपनी शुरुआत करो कहीं ना कहीं से कम अपने पैरों तो खड़े हो जाओगे, पिताजी से पैसे तो नहीं लेने पड़ेंगे। तो देखें, और ये जो जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन की है, ये जो है ना 17,654 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी रहेगी। ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है और ये ITI वालों के लिए है, और ये आपकी जो वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, ये आपकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, ठीक है, और इसकी आपकी पेमेंट 19,188 रुपये पर मंथ की आपकी रहेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्ट के बारे में बता दूं, जो JTO की पोस्ट है उसमें 1470 टोटल पोस्ट है, 315 और 315 क्रमशः जूनियर कंसल्टेंट ग्रेड वन और ग्रेड टू की पोस्ट है, ठीक है। आपकी जो उम्र है, ठीक है, आपकी इनसे ज़्यादा मतलब बैक डेट में आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आप इनसे पहले आपका जन्म नहीं हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। शुड हैव बोर्न आफ्टर द डेट, मतलब कि आपकी उम्र इसके बाद की ही होनी चाहिए, अगर इसके पहले की है तो गड़बड़ है। तो ध्यान रखिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट आपकी दे रखी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको तो पता ही होगी, तो देख लीजिए अगर आप इसके बाद के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे अदर बेनिफिट, जब आप नौकरी करेंगे इसमें तो एक मानी हुई कंपनी है तो आपको इसमें TA भी मिलेगा, DA भी मिलेगा, ठीक है, और बेनिफिट मिलेंगे आपको जो है ना कंपनी के जो रूल्स हैं उसके अनुसार आपको बेनिफिट वगैरह अलग से मिलेंगे, ठीक है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बट एक्सटेंडेड अप टू 2 more months, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अभी ये 3 महीने का है, फिर बाद में 2 महीने का और बढ़ाया जा सकता है, फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर बढ़ाया सकता है, तो ये समझो बेटा अभी 3 महीने का, 3 मंथ्स का भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनका चलने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो पोस्ट वन है उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री जो मैंने पहले बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, 60% नंबर के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। पोस्ट नंबर टू जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब कि 60% आपके डिप्लोमा में मार्क्स होने चाहिए, और किसी कैटेगरी की इन्होंने छूट नहीं दी, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे जो भी हो, किसी को कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो आपके किस में डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे अगर आपके पास डिप्लोमा है 60% नंबर के साथ में, ठीक है।
अब ये देखो पोस्ट नंबर जो 3 है आईटीआई वालों के लिए 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए उनके पास, किस ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो या रेफ्रिजरेटर एंड टीवी में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या फिटर ट्रेड में हो। तो अगर आपके पास इन 4 ट्रेडों में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट आईटीआई कर रखी है तो बच्चों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास एक बेसिक नौकरी हो जाएगी, कम से कम रोजमर्रा का खर्चा आपका निकलेगा, ठीक, और आप इसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई भी कर सकते हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, जो मान लीजिए देखो 3 भर्ती हैं, एक तो ग्रेजुएट वालों की जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, दूसरी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिप्लोमा, और तीसरी आईटीआई वाले, ठीक है। तो क्या जितने फॉर्म आएंगे सबकी अलग अलग मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी, अलग आईटीआई वालों की अलग मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी, और मेरिट लिस्ट बनेगी किस बेस पे, जो आपके आईटीआई में नंबर आए हैं या फिर आपके डिप्लोमा वालों के डिप्लोमा में जो नंबर आए और ग्रेजुएट वालों के जो ग्रेजुएशन में नंबर आए बीटेक या अभी जो आपने कर रखा हो, तो उनमें जो नंबर आए उनके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी, ठीक है। तो उन्हीं मेरिट लिस्ट पर आपको बुलाया जाएगा, जितने पद हैं उतने बच्चों को बुला लिया जाएगा और आपका जो है ना जॉब वगैरह शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट हैव मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर द ऑल पोस्ट, अगर आपके पास 6 महीने का कहीं एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो कोई ऐसी बात नहीं है, डिजायरेबल का आ गया है, कोई मैंडेटरी नहीं, मतलब कोई जरूरी ही जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा कि आपके जो है ना एग्जाम कहाँ कहाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे न्यू दिल्ली में होंगे, बेंगलोर में होंगे, मुंबई में होंगे, हैदराबाद में होंगे, कोलकाता में होंगे, तो ये 5 जगह हैं, यहीं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो पोस्ट हैदराबाद के लिए इतनी वैकेंसी है, जेटीओ के लिए इतनी वैकेंसी है, मतलब ग्रेजुएट वालों के लिए 455, डिप्लोमा वालों के लिए 97-98, आईटीआई वालों के टोटल पोस्ट 650 हैदराबाद में, नई दिल्ली में टोटल 385 ग्रेजुएट वालों के लिए, 82 जो है ना आपके डिप्लोमा और 83 आपके आईटीआई, टोटल 550 बेंगलोर में। एड्रेस दे रखा है, ये एड्रेस जब आपका एक बार सेलेक्ट हो जाए, मेरिट लिस्ट आ जाए, तो इनके फ़ोन नंबर पे आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं, आपकी कुछ पूछना हो तो हर जगह का, ठीक है, हर जगह का जो है ना नंबर दे रखा है, आप इनसे पूछ भी सकते हो, और ये जगह यहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, एड्रेस दे रखा है, बेंगलोर में 157 ग्रेजुएट वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 34, आईटीआई वालों के लिए 34। थोड़ा और देखेंगे हम, मुंबई, आपको ये एड्रेस है डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, 18 ग्रेजुएट, 5 डिप्लोमा, 2 आईटीआई, और कोलकाता में 98 आईटीआई, 97 डिप्लोमा, 455 ग्रेजुएट, टोटल 650, और टोटल सीटें कितनी होगी बेटा इसी तरह 2100, तो 2100 पोस्टों पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब बेटा ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे ऑनलाइन, अब देखो रिजर्व जो आपके रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, देखो उन्हें छूट दे रखी, उम्र सीमा की छूट है, 5 साल SC/ST वालों को, 3 साल OBC वालों को, और 5 and more than Part 1-2, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो आपको उस हिसाब से छूट दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, द अपर एज लिमिट जो है ना 5 साल की छूट है, हु हैड ऑर्डिनली हैड बीन डोमिसाइल इन द स्टेट जम्मू कश्मीर के हैं तो भी आपको छूट मिलेगी, ठीक है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको जो है ना जैसे वैकेंसी आपने फॉर्म भर दिया, मेरिट लिस्ट बन गई, तो उसके 7 दिनों के अंदर 1 हफ्ते के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, डेट ऑफ सिलेक्शन आपका मतलब काम शुरू हो जाएगा, और जब वहां जाएंगे तो आपको PVC पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाएंगे तब, ठीक है। और आपको जो है ना जनरल OBC वालों से 200 रुपये लग रहे हैं, और बाकी SC/ST फिजिकली हैंडीकैप वालों से कोई फीस नहीं लगी जा रही, और ये आपको ऑनलाइन पे करनी है, ठीक है। अब देखेंगे ऑनलाइन के बारे में, थोड़ा आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन कैसे भरना है, ये वेबसाइट दे रखी है ECIL.co.in पर जाना है आपको, और वहाँ जाकर क्लिक करना है, करियर पे क्लिक करके आप वहाँ अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। और एप्लीकेशन चलेंगे कब से, 26 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलेंगे, 26 दिसंबर से 5 जनवरी, तो बहुत कम टाइम है, आप सोच विचार के जल्दी से अपने एप्लीकेशन भर दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दिए, 5 दिन वो 4 दिन ये आपके पास, 5, 4, 9, 10 दिन है आपके पास, तो जल्दी से अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन फीस आप जो है ना कटवा सकते हैं अपने, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना कहीं इधर दौड़ो उधर दौड़ो। तो मोस्टली बच्चों हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं,
और इसके जो है ना आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 26 से शुरू, 5 को ख़त्म। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए डेट विल बी होस्टेड ऑन कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पर कुछ दिनों में डेट बता दी जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तो बेटा कहने का मतलब मेरा ये हुआ इस वैकेंसी से जो निकल के आया कि आप एक प्लेटफॉर्म पाओ, थोड़ी सी नौकरी करो, हाथ में पैसा आएगा, और तैयारी करो और मेहनत करो किसी नई कंपनी में और अच्छे पैसों वाली जॉब करिए। तो आपके पास ये सिर्फ प्लेटफॉर्म, आपकी ज़िंदगी यहाँ स्थिर होकर नहीं रहेगी, आपको बढ़ते रहना बढ़ते रहना बढ़ते रहना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वंदे मातरम।